नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में पारित हुआ NIA संशोधन बिल 2019, इसके पहले विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि सदस्यों ने चिंता जाहिर की है कि NIA कानून का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार का इस कानून के दुरुपयोग का कोई इरादा नहीं है। लोकसभा में NIA संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसका इस्तेमाल आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया जाएगा और इस दौरान ये भी नहीं देखा जाएगा कि ये किस धर्म के आदमी ने किया है। इस दौरान ओवैसी और गृह मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। ओवैसी ने कहा कि आप डराइए मत, जिसके जवाब में शाह ने कहा कि अगर जहन में डर है तो क्या किया जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने अभी इसे पढ़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफे को पढ़ने के बाद ही फैसला लेंगे। बता दें कि सिद्धू ने सोमवार को ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि मंत्री पद से उनका इस्तीफा CM अमरिंदर सिंह के पास पहुंच गया है। इसके पहले सिद्धू ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी सार्वजनिक करते हुए कहा था कि 10 जून को ही उन्होंने अपने इस्तीफे का खत राहुल गांधी को सौंप दिया था। असम में बाढ़ का कहर, धेमाजी और बरपेटा जिले में बाढ़ में डूबे 419 गांव। राज्य में अब तक बाढ़ से मरने वालों की संख्या पहुंची 11। मौसम विभाग के अनुसार असम में अभी और होगी बारिश। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र बने हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल। आचार्य देवव्रत की लेंगे जगह। आचार्य देवव्रत को सोमवार को रिटायर हो रहे गुजरात के राज्यपाल OP कोहली के जगह भेजा जाएगा गुजरात। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग तकनीकी कारणों की वजह से रुकी, इसरो ने ट्वीट कर दी जानकारी। 18 जुलाई को कुमारस्वामी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद विधानसभा में वोटिंग होगी। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आसाराम की जमानत याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ट्रायल कोर्ट में पूरी सुनवाई हो जाने का निर्देश दिया। लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आतंकवादी संगठन जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को दी अग्रिम जमानत। हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद वित्त पोषण के मामले में केस दर्ज हुए हैं, जिसके खिलाफ उसने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछले 3 दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंची चीन की अर्थव्यवस्था ग्रोथ, 6.4% से फिसलकर 6.2% पर पहुंची। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और वैश्विक स्तर पर मांग में कमी का असर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए विश्व कप फाइनल को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब पूर्व दिग्गज अंपायर साइमन टफेल ने ओवर थ्रो में दिए गए 6 रन पर सवाल उठाए हैं। न्यूजीलैंड के न्यूज़पेपर द एज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओवर थ्रो में ICC के नियम से मात्र 5 रन ही दिए जाने थे, लेकिन अंपायर ने 6 रन दे दिए, जिसके कारण सुपर ओवर हुआ। हफ्ते के पहले दिन उतार चढ़ाव भरा रहा शेयर बाजार। सेंसेक्स 160 अंकों की बढ़त के साथ 38,896 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 35.85 अंक चढ़कर 11,588.35 पर बंद हुआ। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर का टीजर रिलीज। मेकर्स ने फिल्म का टाइटल, फर्स्ट पोस्टर और टीजर रिलीज कर दिया है। एक्शन से भरपूर ये मूवी इस साल 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।